नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखीमपुर की गोला गोकरनाथ सीट पर सपा बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुल इसमें 14 टेबल्स पर मतगणना चल रही है और जितने मतगणना कार्मिक हैं, जो भी शांति व्यवस्था के लिए बाकी कार्मिक हैं, सभी अपनी अपनी ड्यूटियों पर मुस्तैद हैं। अभी तक 2 राउंड की मतगणना पूर्ण हो चुकी है, उसके रिजल्ट अभी मीडिया में शेयर करेंगे। जो प्रथम दृष्टया उसके आउटकम है, उसमें लगभग 8,300 मत भाजपा को मिले हैं, लगभग 5,000 मत सपा को मिले हैं। अभी बहुत राउंड खुलने वाके हैं। बढ़त भारतीय जनता पार्टी की, हमारे पिताजी की, अरविंद गिरी जी की और भी होगी, आप देखते जाइए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे, इसका क्या आपको लाभ मिला? लाभ भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही हुआ है। अगर कोई कहे कि उनके वोटों पे सिर मारी, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सभी वर्गों में, सभी समाजों में विश्वास है, तो विश्वास कायम है और विश्वास कायम रहेगा भी। मतगणना में हम लोगों ने लगभग 3 टायर सुरक्षा कर रखी है, पूरी इनर कॉर्डन, और उसके बाद बाहर की पूरी गैलरी जो है हम लोगों ने सील कर रखी है मंडी परिसर को। अंदर जो पूरा कॉर्डन है हम लोगों ने CAPF और PAC दिया है। इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि अंदर के ज़िले का फोर्स ना दें निष्पक्षता के लिए। जो बाहर के ज़िले का थोड़ा बहुत फोर्स है वो यहाँ लगाया गया है, और पूरे PAC और CAPF के ही देख रेख में पूरी मतगणना सम्पन्न करवाई जाएगी। गोला गोकरनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी, वहीं आज मतगणना हो रही है। यहां वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। बता दें, गोला गोकरनाथ उपचुनाव में 12वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, गोला विधानसभा उपचुनाव के बाद में जो है 8 बजे से मतगणना अभियान के बीच में शुरुआत हुई, जिसके बाद में आज ये 12 राउंड जो कंप्लीट हो गए, 12 राउंड की मतगणना पूरी हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी के द्वारा 13,200 से आगे चलने गए। जो सपा प्रत्याशी विनय तिवारी है, 13,200 से पीछे चलने, लेकिन अभी 32 राउंडों की मतगणना हो रही है, उसके बाद में क्या नहीं आता। लेकिन जो शुरुआती दौर से रुझानों से एक से 12 तक के राउंड की जो मतगणना पूरी, उसमें भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी बराबर हर राउंड में बढ़त बना रहे हैं, तो ये एक भाजपा के लिए जो झटका साबित हो सकता है। धीरज, कहा जाता है कि अरविंद गिरी जमीनी नेता थे, तो क्या लगता है बीजेपी को या अमन गिरी को इससे कितना फायदा मिलेगा? देखो, बिल्कुल, जो अरविंद गिरी अमन गिरी के पिता थे, वो 5 बार विधायक रहे हैं और जमीनी नेता थे, किसान हित में हमेशा कई बार तो अपनी पार्टी के सामने बैठे थे धरने पर किसानों के साथ में, तो ये और कई ऐसे काम है जो उन्होंने गोला विधानसभा में किए, और ये एक जो है ग्रामीणों के लिए मेन मुद्दा गोला का गोकरणा में काली डोर का रहा है, ये एक जरूर इससे जो है अमन गिरी को फायदा हो रहा है। धीरज, अगर देखें तो इससे पहले विधायक अरविंद गिरी रहे हैं, तो इसी को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि शायद वही जीते, तो क्या लगता है गोला की जनता के मूड में क्या है, वो किसकी तरफ ज्यादा झुकाव महसूस कर रही है? बिल्कुल, देखिए बताऊं आपको, जैसे कि 1 से 12 तक की जो काउंटिंग चली है, 12 राउंड पूरे हो गए, उसमें बराबर हर राउंड में जो अमन गिरी बराबर बढ़त बना रहे हैं, तो ये एक जरूर जनता ने कहीं ना कहीं भाजपा में के प्रत्याशी पर फिर से भरोसा जताते हुए अपने जो मत का प्रयोग किया है। जो विनय तिवारी वही सपा से प्रत्याशी है, और अगर ये जो बढ़त बना रहे बराबर है, और जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया ये देखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट चार प्रचार उतारे, यूपी सरकार के करीब 1 दर्जन मंत्री रहे, वो वहीं पे दोनों डिप्टी सीएम, तो ये एक जरूर इसका बेनिफिट लाभ देखा जाए तो मिल रहा है। अगर धीरज रुझानों को देखें तो अभी अमन गिरी आगे चल रहे हैं, क्या इसमें भी कुछ उलटफेर हो सकता है?
देखिए अभी तो कई राउंड खुलने बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले राउंड से 12 राउंड कंप्लीट हो गए, तो वहां पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी के द्वारा बराबर बढ़त बनाई, तो ये एक जरूर लीड जो करीब 13,000 की जो लीड अमन गिरी ने ले ली है, ये एक जरूर बड़ी बात है। धीरज, कितने राउंड में काउंटिंग होनी है और कितने काउंटिंग टेबल बनाए गए हैं? जी 13 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, 32 राउंडों की जो गिनती होनी है, कुल 32 राउंड की गिनती होनी है और 14 टेबल बनाए गए हैं जिसमें बराबर जो है मतगणना चल रही है। धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।